Brought to you by Techno Spark 20 Series Smartphones। I'm super human. मेरे सिग्नेचर एक फॉर्म होता है सर वापस नामांकन लेने का उस पर मेरे फर्जी सिग्नेचर थे अब उसके नीचे जो सिग्नेचर जो मेरे प्रस्तावक ने किए वो कैसे किसने किए क्या किए तो मुझे नहीं पता क्योंकि ऊपर अगर प्रेशर आने लगे कहीं से कि आप पीछे हटे तो क्या फौजी को पीछे हट जाना चाहिए फौजी तो पीछे नहीं हटेगा सर मैंने भी बस वही किया मैंने उनको पोलाइटली मना किया कि देखिए सर आप मेरे ऊपर प्रेशर ना बनाए और मुझे मेरा लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसको पूरा करने दें हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह झाला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंदौर लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे धर्मेंद्र जी आ, आर्मी से आप रिटायर हैं क्या आपके मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए जबकि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान वाली सीटें हैं। देखिए सर संविधान हमारा ये हमको अलाउ करता है कि हम निष्पक्ष रूप से चुनाव में खड़े हो सकते हैं ये मतलब कोई भी जो भी जो जो मिनिमम पूर्ण करता है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है उसका संवैधानिक अधिकार है मैंने अपने संविधानिक अधिकार के लिए क्योंकि देखो वोट देना ना देना वो जनता डिसाइड करती है घमासान किसके बीच में है ये जनता डिसाइड करेगी पर बाकी मेरा जो अधिकार था वो मैंने पाने की कोशिश की मैंने फॉर्म भरा और वो एक्सेप्ट भी हुआ ये क्या दिक्कत आई मतलब राजनीति की शुरुआत में आपको क्या दिक्कत आई क्या अनुभव है आपको जी अनुभव का तो सारे लोगों को पता है पूरा पूरा मीडिया जानता है पूरा देश जानता है पर बाकी मेरे संवैधानिक जो अधिकार था उसका हनन नहीं करना था आपको जो भी करना था आ, आ, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ अब तो हनन हो ही गया है और मैंने इसके लिए न्यायालय की शरण ली है क्या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए ना आप क्या हुआ सर घटनाक्रम में करीब ऐसा हुआ कि तीन बजे तक का हमारा नामांकन वापस लेने तक का प्रावधान होता है करीब मैंने साढ़े तीन बजे के आसपास कॉल किया और निर्वाचन में कि सर मैं अपना सिंबल लेने के लिए आ रहा हूँ उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर सबको बाहर बिठाया हुआ था और रूम लॉक था तो रूम लॉक होने के बाद में मैं गया वहाँ पर कि ठीक है सर मेरा नाम जो मेरा सिंबल है वो आप दे दें तो उन्होंने बोला कि आप बैठिए सिंबल आपको मिल जाएगा जो वहाँ पर जो बाहर खड़े हुए थे बहुत सारे पुलिस वगैरह लगी हुई थी फिर करीब पाँच बजे के आसपास एक सूची चस्पा हुई जिसके अंदर मेरा नाम था कि मैंने नामांकन वापस लिया जैसे ये चीज़ मुझे पता चली मेरे ज़मीन से पैरों तले जो ज़मीन है वो खिसक गई नीचे से मैं इमीजिएटली मैंने नॉक किया और बोला कि मुझे अंदर जाने दो मेरे साथ में गलत हुआ है जब मैं अंदर गया तो पता चला कि मैं कैसे मैं बताऊं सर कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे सिग्नेचर एक फॉर्म होता है सर वापस नामांकन लेने का उस पर मेरे फ़र्जी सिग्नेचर थे अब उसके नीचे जो सिग्नेचर जो मेरे प्रस्तावक ने किए वो कैसे किसने किए क्या किए तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इमिजिएटली जैसे मैं वहाँ से आया मैंने हाथी हाथ एक पत्र लिखा था एप्लीकेशन दिया था कि मैंने एक तो फर्जी सिग्नेचर हुए हैं इससे रिलेटेड रे और एक दूसरा मैंने वीडियो फुटेज के लिए तो अभी तक वो प्रशासन ने उपलब्ध नहीं करवाई है शीघ्र ही शायद वो करवाएंगे क्योंकि मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है और वो मेरी हेल्प भी करेंगे क्या बोले कलेक्टर साहब उन्होंने बोला कि हाँ आप न्यायिक प्रक्रिया आपके पास में है आप जो भी न्यायिक प्रक्रिया करना चाहते हैं वो करें आप फिर क्या किया आपने? तो सर फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर धरने पर बैठा कि मेरे साथ में गलत हुआ है शीघ्र जो भी किया जाए तो उसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे पदाधिकारी आए सब लोगों ने मुझे समझाया कि इस तरीके से बैठना उचित नहीं है मैंने कहा ठीक है मैं संविधान का पालन करूंगा और अभी जो भी धाराएं लगी हुई हैं उसके हिसाब से मैं ज्यादा प्रदर्शन नहीं करूंगा पर मैं न्यायिक प्रक्रिया के लिए जाऊंगा उसी रात में करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे हम लोगों ने पंडरी थाने के ऊपर एक शिकायत दर्ज कर दी तो उसकी अभी जांच चल रही है सर अच्छा फिर आपने न्यायालय की शरण ली क्या हुआ न्यायालय में सर न्यायालय में शरण लेने के बाद में जब हमने इलेक्शन की रिट पिटीशन डाला रिट पिटीशन जब डाला हमने तो रिट पिटीशन सर त्वरित कार्यवाही हुई न्यायालय ने हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी सुनने के बाद में उन्होंने बताया कि एक आर्टिकल थ्री होता है उसके तहत एक बार जब इलेक्शन प्रक्रिया चालू हो जाए तो इलेक्शन प्रक्रिया रुक नहीं सकती है जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं रिजल्ट के बाद में यह आपके पास में प्रावधान है कि आप इलेक्शन पिटिशन डालें और जो भी जानकारी रहेगी वो आपको मिल जाएगी साथ ही में क्या होगा जो एविडेंस वगैरह है जितना भी रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सब आपको मिलेगी सर ये जो हाई कोर्ट जो न्यायालय था उन्होंने आदेश दिया तो उसका पालन करना मेरा परम धर्म है और मैं इसका पालन करूंगा और मेरे को पता है विश्वास है कि न्यायालय मेरे साथ में है और पूरा प्रशासन मेरे साथ में है और मुझे ज़रूर सक्सेसफुल सक्सेस मिलेगी आपको ऐसा लगा था कि इस तरह की धांधलियाँ भी हो सकती है सर देखिए मेरे साथ तो हुई है अब हो सकती है ये तो मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँगा पर बाकी मेरे साथ में हुई है क्योंकि पूरी जनता को पता है सबको पता है कि कि मैंने मैंने जब मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किए तो मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन बता सकता है और केवल मैं वीडियो फुटेज की मांग कर रहा हूँ हाँ अगर मान लीजिए कि आ, कुछ भी अगर गलत अगर हुआ है तो जनता को पता चलना चाहिए अच्छा, उन्तीस के आसपास थे उम्मीदवार तीन ने तो पहले ही फॉर्म ले लिया था बाकी आठ लोगों ने आखिरी दिन ले लिया तो क्या प्रेशर था आपको भी कहीं से फोन आए थे जी मेरे पास में कॉन्टेक्ट तो दो तीन दिन पहले से आ रहे थे बहुत सारे आ रहे थे पर सर एक चीज़ ये बताएं कि जैसे एक फौजी के ऊपर अगर प्रेशर आने लगे कहीं से कि आप पीछे हटे तो क्या फौजी को पीछे हट जाना चाहिए फौजी तो पीछे नहीं हटेगा सर वो लड़ेगा जब तक उसके अंदर जान है मैंने भी बस वही किया मैंने उनको पोलाइटली मना किया कि देखिए सर आप मेरे ऊपर प्रेशर ना बनाएं और मुझे मेरा लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसको पूरा करने दें क्योंकि मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर रहा हूँ मेरे अधिकार को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी मुझे मत मिलता है नहीं मिलता है मेरी जमानत जब्त होती है वो अलग चीज़ है वो जनता तय करती है तो उसके बाद में फिर एक दो बार और आए मेरे पास में हुआ ऐसा पर मैं पीछे झुका नहीं तो उसके बाद में फिर उन्होंने जो भी रहा हो प्रपंच जो भी तो ये जब आप ये पॉलिटिकल प्रेशर जब आपके पास आया तो आपको क्या लगा क्योंकि देखिए फौज और राजनीति में बहुत फ़र्क है तो जब ये पॉलिटिकल प्रेशर आपके पास आया कौन लोग थे कैसा प्रेशर था कि आपको हिलाने की कोशिश की गई थी अपनी जगह से सर ये जो ये तो न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू सारी चीज़ें पता चली जाएंगी और मेरे को मैंने बताया सर कि मैं न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा और प्रशासन पे पूरा विश्वास रखता हूँ ये शीघ्र पता चल जाएगा जो भी दोषी होंगे या नहीं होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो सब भविष्य के गर्त में है सर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया इंदौर के इतिहास में कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने नामांकन वापस ले लिया जो भी हुआ हो प्रेशर हुआ क्या हुआ वो सब जनता के सामने है उन्होंने वापस ले लिया और कांग्रेस अब नोटा की अपील कर रही आप तो उम्मीदवार के रूप में आए तो किस नज़र से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखिए सर जैसा भी घटनाक्रम हुआ है होने दीजिए पर आपको जो लोकतंत्र का पर्व है तेरह तारीख को उस दिन पूरी अच्छी तरीके से मत आपको मत करना है आपको वोटिंग करनी है अच्छी तरीके से सोच समझ कर आप फैसला लें और अपना जो अमूल्य वोट है वो अपने फैसले के हिसाब से दें क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है इस पर्व के दिन हमको अच्छे से अपना पूरा समर्थन देना है और मैं तो चाहता हूँ कि आप हंड्रेड परसेंट वोटिंग करें ये सब सब चलता रहेगा कांग्रेस पार्टी ने भी आपसे अप्रोच करने की कोशिश की क्या उनके साथ या समर्थन में आप लड़ें चुनाव नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है और पर वहाँ पर जितने भी दल थे जितने भी प्रत्याशी बैठे हुए थे मेरे साथ में उनको जब लगा कि मेरे साथ में गलत हुआ है तो सब लोगों ने मेरा साथ दिया ऐसा उसमें सारे ही थे ऑलमोस्ट सारे ही थे तो मैं उन्होंने मुझे शायद हो सकता है फौजी होने के हिसाब से सहयोग दिया हो या मानवता के हिसाब से पर मैं उनका तहे दिल से आभारी रहूंगा और मैं उनका आभार प्रकट कि उन्होंने मेरे को इस घड़ी के अंदर पूरा दिल से सहयोग दिया सुमित्रा महाजन है बड़ी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने भी कहा कि जो ये हुआ ये अच्छा नहीं हुआ मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगा बोले कैसे हो गया हम तो जीत ही रहते तो ये उन्होंने भी बोला तो एज फौजी आप क्या समझते हैं सर देखिए जीतना हारना ये तो जनता डिसाइड करती है सर आप पहले से कोई प्रडिक्शन नहीं कर सकता है है ना और अब हमको नहीं पता है सर कि अब अगर मैं चुनाव में होता तो क्या सीनियोर यू होता क्योंकि अभी तो मैं आउट हूँ मैं कैसे बोल पाऊँगा बस ये है कि मैं निराश नहीं हूँ हताश नहीं हूँ और पूरा जो तेरह तारीख को मैं भी मतदान करूँगा और खुलकर मतदान करूँगा राजनीति में आने का पहला सबक आपको मिल गया आपको ऐसा लगता है <laughs> हाँ मुझे मिल गया है और अच्छा सबक था और ये सबक ही क्या करते हैं सिखाते हैं जब तक ठोकरें नहीं मिलती है इंसान को तब तक वो चलना सीखता नहीं है पर ऐसे तो मैंने देश की सेवा की है कदम कदम पर मैंने ठोकरे भी खाई है समला भी हूँ मैं जगह जगह पर मैंने काम किया है तो अब आगे भी करेंगे कोई इशू नहीं है मैं देखिए जंग जारी रहेगी सारी चीज़ें मैं करता रहूँगा जो मैं जैसा था वैसा हूँ आगे भी वैसा ही रहूंगा और बाकी मुझे पता है कि जनता मुझे जरूर सहयोग देगी और जनता मुझे प्यार देगी क्योंकि इंदौर की जनता ने ये सब चीजें देखी है अच्छा जो आपने अभी बताया कि बाकी के जो लोग थे प्रत्याशी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया तो उन तक भी प्रेशर आया होगा ये बात तो ही होगी सर ये हो सकता है जैसे कई लोगों ने नामांकन वापस लिया तो आया होगा कई लोगों ने नामांकन वापस नहीं लिया होगा तब भी आया होगा सर माइट भी ये क्योंकि अगर मुझे पता होता मान लिया तो मैं मेरे को अभी तक सिंबल मिल चुका होता ये राजनीति का कडवा अनुभव जी रियली में बहुत कड़वा अनुभव है पर ये सिखाने वाला अनुभव है इससे मैंने काफी चीजें सीखी हैं और मैं इन चीजों से उभरने की कोशिश करूँगा और प्रशासन और कोर्ट तो मेरे साथ ही में है तो मैं अकेला नहीं हूँ पूरी निराशा निराशा तो हाथ नहीं सर निराशा किस बात की सर मेरा अधिकांश तो आपका रद्द हो गया मतलब नहीं सर ये देखिए तो जो भी राजनीतिक गहमा गहमी हलचले रही हैं इसको तो अब देखिए सर कई बार क्या होता है कि हम पास्ट को लेकर रोने लगते हैं सर जैसे आज भी हमारे डेट में पास्ट के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं अरे हमको प्रेजेंट के बारे में बात करना है फ्यूचर के बारे में सोचना है पास्ट तो पास्ट हो गया निकल गया है वो तो जो भी मेरे साथ में हो तो निकल गया अब मुझे आगे क्या करना है मुझे क्या पाँच साल वेट करना है या फिर मुझे जो भी न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू अगर मुझे कुछ मौका मिलता है तो वो मुझे करना है ये तो सब भविष्य के अर्थ में है बाकी एक चीज़ है कि फौजी हूँ डटा रहूंगा और लड़ने की कोशिश करें अच्छी बात है आप डटा रहेंगे फौजी कभी पीछे भी नहीं हटता लेकिन कहीं आपको लगता है कि साज... राजनीतिक साजिश की बू आ रही होगी इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक सर इस पर अगर मैं कमेंट ना करूं तो ही ज्यादा ठीक है क्योंकि ये तो पता न्यायिक प्रक्रिया है पता कर ही लेगी कहीं ना कहीं ये किसी के माध्यम से तो किया गया है ना हो सकता है सर हो सकता है जैसे आपके पास प्रेशर आया फोन आया दो तीन दिन पहले किसी का भी आया हो तो आपको लगा तो होगा ना कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हुआ सर देखिए सर मैं पहली बार मैंने चुनाव के अंदर दस्तक दी थी मुझे बहुत कड़वे अनुभव मिले हैं पर बाकी इससे सीखी मिली है और बाकी जो मतलब मैं काफ़ी मैंने इससे सीख ली है और बाकी अब मैं क्या बोलूँ सर अब फिर जी प्रेशर तो देखिए अब आपने दो चीज़ बोली कि प्रेशर तीन दिन पहले आया था तीन दिन संपर्क में थे तो मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्ट तो होगा ही होगा इसमें अगर देखिए डायरेक्टली फ़ोन नहीं आया हमारे पास में बातें पहुँचाई गई थी हमारे पास में डायरेक्ट तो माध्यम से तो आया ना? किसी कई माध्यमों से आया था पर यह है कि तो ये जो आपके सिग्नेचर में इसमें भी कहीं कही कहीं ना आपको राजनीतिक हो, हो सकता है, सर, हो सकता है है सर और यही ये, ये तो जांच का विषय है और ये जैसे ही जांच का विषय होगा ओपन होगा तो सब कुछ दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो ये थे धन्यवाद आपका ये थे धर्मेंद्र सिंह जो सेना से रिटायर्ड है इनका ऐसा कहना है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें सबको बढ़ चढ़ के जो है आगे बढ़ना चाहिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बहुत कड़वे अनुभव मुझे मिले पहली बार जब राजनीति के लिए प्रयास किए तो लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ मिला है धर्मेंद्र कुमार शर्मा एमपी तक इंदौर